आजकल के भागदौड़ वाले समय में जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, साफ़ सुथरा खाना पानी नहीं मिल पाता, एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता और हर तरीके की गलत आदतों से इंसान सराउंडेड है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसे में सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाना बहुत ही कॉमन है। सेक्सुअल डिसफंक्शन आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद होता है, परंतु आजकल बहुत यंग एज में भी सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉमन होता जा रहा है। ये वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में इंसान कभी भी खुलकर बात नहीं करता। अगर कोई इंसान खुल के इसके बारे में बात ही नहीं करेगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? मेरी ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट इस समस्या को लेकर ही आते हैं। डेफिनेटली काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो शर्म के मारे कंसल्ट करते ही नहीं हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसी समस्या से सफ़र कर रहा है और अगर किसी से शर्म के मारे बात नहीं कर पा रहा, हेल्प नहीं ले रहा, तो ये वाली चीज़ उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी रिलेशनशिप को, मैरिज को, सबको अफेक्ट कर सकती है। तो ये वाली एक वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ताकि ऐसे पेशेंट्स जिनको सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या है उनको गाइड कर सकूँ कि टाइमली हेल्प लीजिए, और अगर आप इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं, झिझकते हैं हेल्प लेने में, तो ये वाली वीडियो सीरीज़ को पूरा सुनिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं किस किस तरीके के मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं उनके बारे में बात करूँगा और उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए हर कोने में नीम, हकीम, वैद्य सब बैठे हुए हैं, और काफ़ी बार पेशेंट्स इन क्वैक्स के चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इलाज नहीं हो पाता, पैसा भी खर्च हो गया, इसके कारण उनका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए सही डॉक्टर कौन है? मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन दो तरीके का हो सकता है। पहला, या तो यह कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहां पर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर इंसान को सिर्फ साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, साथ में कोई ना कोई हार्मोनल, बायोकेमिकल या नसों की रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो इसको ट्रीट करने के लिए एंड्रोलॉजिस्ट, जिनको सेक्सोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, वो आपकी मदद करते हैं। एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी की एक ब्रांच की सबसेट है, सब स्पेशलिटी है, जिसमें मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन और मेल इनफर्टिलिटी या निसंतान दंपति, उनका इलाज किया जाता है। तो अगर कोई इंसान इस तरीके की समस्या से पीड़ित है तो प्लीज़ किसी भी नीम हकीम के चक्कर में मत पड़िए। देर आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो इस तरीके की समस्या को ट्रीट करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा झिझकते हैं और झिझक के मारे फिर भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये वाली वीडियो सीरीज़ उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में मैं हर कैटेगरी ऑफ मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में खुल के बात करूँगा, क्या क्या कारण होते हैं मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के और उनका इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। हर इंसान को इन तकलीफ़ों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आपको खुद को मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है या नहीं है, ताकि थोड़ी बहुत गाइडेंस और डायरेक्शन आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकें। तो आप ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ देखिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली श्रृंखलाओं में मैं बात करूँगा कि कौन कौन से मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं और इनके इलाज का सही तरीका क्या है। धन्यवाद।